जब भी हम मार्केट से पेस्टिसाइड को खरीद के लेके आते हैं फसलों के ऊपर स्प्रे करने के लिए, तो आपने देखा हो कि मार्केट के अंदर काफ़ी सारे जो टेक्निकल है वो मिल जाते हैं। कुछ एक जो टेक्निकल है वो आपको सिल्वर की जो बोतल है उनके अंदर पैक मिलेंगे, कुछ एक जो हमारे इंसेक्टिसाइड रहते हैं वो प्लास्टिक की जो बोतल है उनके अंदर दिए मिलते हैं। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि दोनों बोतल के पीछे का जो लॉजिक है वो क्या रहता है। अगर सिल्वर वाली बोतल के अंदर जो टेक्निकल है वो प्लास्टिक वाली में डाल दिया जाए तो दोनों के अंदर क्या जो हमें साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। बाइफेंथ्रिन, लेमडा साइलोथ्रिन, आइसोप्रोथोलिन, प्रोपिकोनाजोल, मोनोक्रोटोफोस, इस तरह के कुछ एक जो टेक्निकल हैं जो कि सिल्वर की बोतलों के अंदर आपको आमतौर पर देखने को मिलते हैं, उनके अंदर सिलिका एसिड डाला होता है। सिलिका एसिड के बिना ये जो टेक्निकल है वो बनते नहीं है। सिलिका एसिड क्या करता है कि जैसे ही हमारा जो मैन्युफैक्चर हमने बोतल कोई की है वो करीबन अगर हमारा टेक्निकल 4 से 5 महीने पुराना हो जाता है, फिर ये क्या करता है कि अंदर एक गैस रिलीज करता है जो कि एक वैक्यूम का काम करती है। कुछ एक बोतलें आप देखोगे कि अंदर से आपको बाहर से जो है वो पिचकी हुई मिलेगी अंदर की ओर। अगर इन टेक्निकल को हम सिल्वर बोतल की बजाय अगर प्लास्टिक के अंदर भर देते हैं तो 4 से 5 महीने के बाद जैसे ही इसके अंदर जो वैक्यूम है वो क्रिएट होगा उसके बाद में ये जो बोतलें वो फट जाती है। अक्सर आप लोगों ने नोट भी किया कि अगर हम पूरा का पूरा एक केस लेके आते हैं 10 लीटर का, पूरी की पूरी जो पेटी है वो लेके आते हैं, उसमें से कुछ एक जो बोतल आपको लीकेज मिलेगी, वो कारण ये होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अंदर की ओर क्रिएट करती है, जिसके कारण ये जो लीकेज वाली समस्या है वो भी आमतौर पर देखने को मिलती है। कई बार तो ये होता है कि अगर ये जो बोतलें हैं वो करीबन 1.5 साल तक पड़ी रहे, बेसिकली इनके ऊपर जो आपकी एक्सपायरी है वो 2 साल की तो मिनिमम होती है, अगर 1.5 साल तक पड़ी रहती है तो ये फटने का भी जो काम है वो कर देती है। अब जैसे कि आपको मैं उदाहरण के रूप में समझाता हूँ, यहाँ पर आप देखिए मैं कुछ कंपनियों की दवाइयाँ दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आइसोप्रोथोलिन को आप नोट कीजिए, एक तो मैं किसी अदर कंपनी की दिखा रहा हूँ और वहीं पर आइसोप्रोथोलिन जो है वो मैं इंडोफिल की दिखा रहा हूँ। इंडोफिल वाली जो आप प्लास्टिक के अंदर पैक किया, हालांकि ये जो प्लास्टिक के अंदर ना सूट नहीं करता ये टेक्निकल, इसे सिल्वर में देना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि इंडोफिल वाली जो आइसोप्रोथोलिन वाली बोतल है वो किस तरह से अंदर की ओर पिचकी हुई है। अब कुछ एक कंपनियां क्या करती है कि लेमडा को सिल्वर में पैक करती है, मोनोक्रोटोफोस को भी सिल्वर में पैक करती है, लेकिन अधिकतर अभी क्या सीजन चल रहा है कि ये जो लेमडा व हमारा जो मोनोक्रोटोफोस है वो सिल्वर की बजाय प्लास्टिक में आ रहा है। कारण क्या, इसके पीछे सिर्फ सिंपल सा लॉजिक है, ये टेक्निकल काफ़ी सस्ते होते हैं। अगर इन्हें हम प्लास्टिक की बोतल की बजाय सिल्वर की बोतल में देने लग जाएं तो आपको पता कि 80 से लेकर 90 रुपये 1 लीटर की जो सिल्वर की बोतल है उसकी कॉस्ट आती है, वहीं पर अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो 25 से लेकर 30 रुपये के आसपास आती है। ये वैसे तो देखने में एक बड़ी सी छोटी क्वांटिटी लगती है कि 40-50 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन अगर जहाँ पर हजारों लाखों लीटर के रूप में जो कार्य होता है तो वहाँ पर ये जो क्वांटिटी है बहुत बड़ी बन जाती है कंपनियों के लिए। इसलिए अभी कंपनियाँ क्या कर रही है कि हार्ड प्लास्टिक सा इन टेक्निकल के अंदर यूज़ कर रही है ताकि फटने वाली जो दिक्कत है वो आमतौर पर देखने को ना मिले। कुछ एक अदर भी फंजीसाइड रहते हैं जो कि इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं बात करूं तो आपने क्लोरोथेनोनिल को भी सुना होगा, जिसे आप जटायु के ब्रांड नाम से जानते हो। इसी के अंदर भी सिलिका जो एसिड है वो पाया जाता है, लेकिन कारण ये रहता है कि ये पाउडर फॉर्म के अंदर है। अगर ये लिक्विड फॉर्म के अंदर आता तो इसके लिए भी हमारी जो बोतल है वो सिल्वर की यूज़ करनी पड़ती। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।